बेशर्मी हो तो इनके जैसी गाल पे थप्पड़ खाने के बाद, गाल सुझाने के बाद भी इनके कॉन्फिडेंस में कोई भी कमी नहीं आई है। तो राम राम मेरे प्यारे युवाओं की हलचल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफ्रन पेट्रियट में, और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। सूत्रों के हिसाब से इन गर्मियों का सबसे ज्यादा तापमान 4 जून 2024 को 400 पार रहने वाला है। तो मेरी सलाह है सभी चमचों के लिए कि अपने पिछवाड़ों को आइस बैग से ठंडा रखें और इस वीडियो को सभी चमचों तक शेयर जरूर कर दें। अगर बीजेपी 400 पार नहीं निकल पाई, सिर्फ 399 पर ही रह गई, तो चमचे कहेंगे देखा ना, हमने बीजेपी को 400 पार तक नहीं पहुंचने दिया। 70 साल पुरानी पार्टी अकेले आज चुनाव नहीं लड़ पा रही और चमचे बोल रहे हैं हमारा पप्पू प्रधानमंत्री बनेगा। इस बात में भी कोई शक नहीं है। अन्य संस्थाओं का निजीकरण किया गया है, क्या उन संस्थानों का फिर से राष्ट्रीयकरण किया जाएगा? राष्ट्रीय क्या निजीकरण वापस करा जाएगा? जितनी संस्थाओं को मोदी जी ने बेच दिया है, क्या उस संस्थानों का फिर से राष्ट्रीयकरण होगा? नहीं, ये तो मुश्किल होगा। जिसे यही नहीं पता कि राष्ट्रीयकरण और निजीकरण में क्या अंतर होता है, और चमचे चाहते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बनके हमारे देश की इंटरनेशनल फजीयत करवाता रहे। भगवान राम को मानते हैं, लेकिन हम भगवान राम के चरित्र को मानते हैं, उनकी मर्यादा को मानते हैं, उनकी प्रतिष्ठा को मानते हैं। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं जिसमें कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। इनकी बात सुनिए, अब मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक? वैसे यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता कहां लिखा हुआ है, किस ग्रंथ का है, पता है आपको? आपको इसमें आपत्ति है? नहीं नहीं नहीं, महिलाओं के अगर ऐसा नाम बताइए, पता है आपत्ति है? आपको आपत्ति है? ना ना ना, लिखा कहाँ है? हम मैंने तो देखिए, वैसे मैं बता दूं दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए, ये मनुस्मृति में लिखा है, जिसको बहुत ज्यादा ये लोग वो करने में लगे रहते हैं। मनुस्मृति में लिखा है यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खुद की बेइज्जती करवाना तो कोई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से सीखे, स्पेशली सुप्रिया श्रीनाथ गाली वाली आंटी से। स्वाति मालीवाल की इन दोनों वीडियोस को आप एक एक करके गौर से देखिए, ध्यान से देखिए इस पहले वीडियो को। हजारों सवालों का जवाब दे रही है ये वीडियो। ये वीडियो 13 मई की है, जी हाँ, उसी दिन की जिस दिन स्वाति मालीवाल सीएम केजरीवाल के घर गई थी, और कथित मारपीट की घटना के ठीक बाद की ये वीडियो है, जिसमें सीएम आवास के सुरक्षाकर्मी उन्हें घर से बाहर ला रहे हैं। इस वीडियो को देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता कि उनके साथ कोई मारपीट हुई है। न उनके कपड़े फटे हुए हैं, न उनके सिर पर कोई गहरी चोट नजर आ रही है, और न ही वो लंगड़ाकर चल रही है। जो शिकायत स्वाति मालीवाल ने की है, उसके अनुसार खुद अपने पैरों पर चलकर जाना नामुमकिन है। लेकिन वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि स्वाति न सिर्फ खुद आराम से चलकर जा रही है, बल्कि सुरक्षा कर्मियों, जो खुद भी दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उनसे खींचतान भी कर रही है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस घटना के तुरंत बाद स्वाति ने मेडिकल भी नहीं कराया। अब इस दूसरी वीडियो, ये वीडियो दिखाकर आम आदमी पार्टी खुद को निर्दोष साबित करना चाह रही है और पूछ रही है कि आखिर ये चल क्या रहा। और इस वीडियो को खुद आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ही शेयर किया गया है। अगर आपने ध्यान दिया हो कि आपकी किसी से भी हाथापाई होती है, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होता है, तो उस समय आपका ध्यान आपके कोई भी शरीर में चोट आई होती है तो उस पर न जाकर उस सिचुएशन से निपटने पर जाता है। या फिर ऐसे यदि आपका कहीं भी छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, उस समय आपका एक्सीडेंट में लगने वाली चोट पर ध्यान न जाकर उस सिचुएशन से निपटने पर ज्यादा ध्यान जाता है। और उसके बाद जब आप घर पहुंच जाते हैं, तब आपको एहसास होता है कि आपके यहाँ पर ये चोट आई है, ना कि छोटी मोटी हाथापाई या छोटे मोटे एक्सीडेंट के बाद आप तुरंत ही लंगड़ाकर चलने लगते हैं। और जो आम आदमी पार्टी है, वो इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने ही मतलब की वीडियोस को ट्रिम करके सोशल मीडिया पर शेयर करने पर लगी हुई है। बट सीएम आवास के अंदर के लिविंग रूम की जो फोटेज है, वो सीसीटीवी फुटेज गायब है। मतलब कि सीएम आवास के अंदर की सीसीटीवी फुटेज ही कोई गायब कर गया, और ये अरविंद केजरीवाल का गैंग सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की सीसीटीवी फुटेज को ट्रिम करके शेयर करने पर लगा हुआ है। अगर आप इतने ही निष्पक्ष हैं, इतने ही कट्टर ईमानदार हैं, इतने ही निर्दोष हैं, तो पूरी सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं शो कर देते हैं सोशल मीडिया पर? बाकी का आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, जो वैभव कुमार है जिसने स्वाति मालीवाल की कुटाई की थी, उसका फोन भी अब पूरा फॉर्मेट हो चुका है। यहाँ सिर्फ दाल में ही कुछ काला नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पूरी की पूरी दाल ही नजर आ रही है। फिलहाल तो वैभव कुमार को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और अभी आम आदमी पार्टी यहाँ तक उतर आई है कि इस समय बीजेपी का हाथ बताने पर लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, जमानत मिली है, और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची,
ये एक महिला होकर आज महिला का साथ नहीं दे पा रही, कोई बड़ी बात नहीं, कल को कुछ दिनों बाद इसकी भी ऐसे ही कुटाई होकर इसे पार्टी से बाहर निकालकर फेंक दिया जाए। और ये आज आम आदमी पार्टी वाले इस पूरी घटना में बीजेपी का हाथ बताने पर लगे हुए हैं। बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, पीटने वाला भी आम आदमी पार्टी से और पिटने वाला भी आम आदमी पार्टी से है, और जो इस पिटाई की पुष्टि करने वाला है वो भी आम आदमी पार्टी से, और जो पुलिस में शिकायत करने वाला है वो भी आम आदमी पार्टी से ही है, और जो गवाह है वो भी आम आदमी पार्टी से ही है, और उसके बावजूद भी ये चाल बीजेपी की बताने पर लगे हुए हैं। गजब की नौटंकी चल रही है। बाकी का मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस आम आदमी पार्टी का इस तरह की हिंसा करने का काम कोई नया नहीं है, ये पहले से भी ऐसा करते हुए आए हैं। बस इस बार इस घटना में अंतर सिर्फ इतना है कि अपने ही कार्यकर्ता के द्वारा अपने ही कार्यकर्ता को पीटा गया, वो भी सीएम आवास के अंदर ही। और इस बार हिंसा करने में कोई और नहीं, खुद केजरीवाल का पीए ही उतर आया और जिसने सीएम आवास में ही स्वाति मालवाल की कुटाई कर दी। और फिर इसके बाद एक एजेंडा चलाया जाता है आम आदमी पार्टी के द्वारा वैभव कुमार की इमेज को साफ करने के लिए। कई कार्यकर्ता वैभव कुमार के सपोर्ट में खड़े नजर आते हैं, जिनका कहना था कि वैभव कुमार को वो पिछले 13 सालों से जानते हैं और वो बहुत ही अच्छे नेक इंसान है, महिलाओं के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, जूते चप्पल से मारना तो दूर की बात है। बट जो स्वाति मालवाल की मेडिकल रिपोर्ट है वो कुछ और ही कह रही है। मेडिकल रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि उनके साथ सच में दुर्व्यवहार किया गया है। दिल्ली के ट्रामा सेंटर में उनका मेडिकल हुआ जिसमें उनकी आंख व चेहरे और पैर में चोट की पुष्टि हुई है। बाकी का आप लोग इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि एक पीए की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि एक राज्यसभा के मेंबर के दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष की ऐसे कुटाई कर दे जब तक उसके आका का उसे हुक्म ना मिले। और बाकी का इस वैभव कुमार की केजरीवाल से घनिष्ठता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, जब केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हुआ था तो उस समय केजरीवाल ने 6 लोगों का नाम दिया था जो कि उससे केजरीवाल से कभी भी आकर मिल सकते थे, तो उनमें से एक नाम वैभव कुमार का भी था। तो अब आप ऐसे में आसानी से समझ सकते हैं केजरीवाल की वैभव कुमार से कितनी ज्यादा घनिष्ठता है। और इस केजरीवाल को हम और आप जितना धूर्त व्यक्ति समझते हैं उससे भी कई ज्यादा गुना धूर्त व्यक्ति है। इसे जब जब लगा कि आम आदमी पार्टी में इसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति का कद इससे ज्यादा बढ़ रहा है या कोई व्यक्ति इसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तब तब इसने उस व्यक्ति को अपनी इस पार्टी से निकाल दिया है या फिर उसे किसी न किसी वजह से जबरदस्ती पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है। योगेंद्र यादव इन्हें तो आप लोग जानती होंगे, कभी ये भी आम आदमी पार्टी का ही हिस्सा थे, बट जैसे ही केजरीवाल को इनसे खतरा लगा तब इन्हें भी पार्टी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। योगेंद्र यादव के अलावा प्रशांत भूषण को भी ऐसे ही पार्टी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया और कुमार विश्वास को भी पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। बाकी का साजिया इल्मी जो कभी इस पार्टी की थी उन्होंने भी इस पार्टी को छोड़ दिया। आइए आप लोगों को साजिया इल्मी की एक क्लिप दिखाता हूँ जिसमें उस पार्टी के कुकर्मों को जनता के सामने रख रही हैं। चल नहीं पा रही है, वो 2-3 सेकंड के जो तस्वीरें हैं ना वो पूरी कहानी बताती हैं। उन्होंने कहा तेरी क्या औकात है, उन्होंने उनके मुंह पर थप्पड़ मारे, 6 बार थप्पड़ मारे और ये तक कहा उसने कि तुम्हें जहां गाड़ेंगे ना किसी को पता नहीं चलेगा। सोचिए किस तरह के लोग हैं ये, एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। पूरी आम आदमी पार्टी इस वक्त ब्लैकमेल पर चल रही है। ये कभी आम आदमी पार्टी के चर्चित चेहरों में से एक हुआ करती थी और उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया और बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो ये है आम आदमी पार्टी व केजरीवाल की सच्चाई जो कि ध्रुव पार्टी आपको कभी भी सपने में भी नहीं बताएगा। बाकी आप लोग सोच सकते हैं कुमार विश्वास जो कि अरविंद केजरीवाल के काफी ज्यादा करीबी माने जाते थे, काफी ज्यादा घनिष्ठ मित्र माने जाते थे, तो वहीं आज कुमार विश्वास का कहना है कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल यही थी कि उन्होंने इस धूर्त व्यक्ति पर विश्वास कर लिया था। सोचिए जो पार्टी कभी भ्रष्टाचार खत्म करने आई थी, महिलाओं को न्याय दिलाने आई थी, आज वही पार्टी भ्रष्टाचार किंग बनकर बैठी है, वही पार्टी महिलाओं पर अन्याय कर रही है। जो पार्टी कभी गुंडों को समाप्त करने के लिए आई थी आज उसी पार्टी में आपको एक से बड़ा एक गुंडा देखने को मिल जाएगा। जो पार्टी कभी दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करती थी आज उसी पार्टी में उसी पार्टी के मुखिया के आवास में बुलाकर उसकी कुटाई कर दी जाती है। भला इससे ज्यादा घटिया राजनीति और राजनीतिक पार्टी और कौन सी हो सकती है। इसके चेहरे पर साफ साफ बेशर्मी झलक रही है बट एक महिला के सम्मान के लिए इसके मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला जा रहा है। और क्यों नहीं बोला जा रहा वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि एक पीए की इतनी औकात नहीं है कि अपने आका की बिना परमिशन के ऐसे वो एक महिला पर हाथ उठा दे। अगर ये धूर्त व्यक्ति केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार कहता और महिलाओं का सम्मान करने वाला व्यक्ति कहता तो कम से कम ये तो बोल ही सकता है कि स्वाति मालवाल के साथ गलत हुआ है, हम उन्हें न्याय अवश्य दिलाएंगे। लेकिन कहीं भी अगर कोई भी पत्रकार इससे स्वाति मालवाल के ऊपर सवाल करता है तब ये असहज हो जाता है और इग्नोर मारता हुआ कार में बैठ जाता है, फिर माइक साइड में कर देता है। आज दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई उसके बावजूद भी आप देख ही रहे होंगे कि मीडिया में इसकी कितनी कवरेज हो रही है, बस ना के बराबर। बट एक बार आप विचार करके देखिए कि गलती से भी अगर ऐसी ही कोई घटना बीजेपी पार्टी के अंदर हो गई होती तो आज पूरी सोशल मीडिया पर पूरी नेशनल मीडिया पर भूचाल आ चुका होता। पर्यावरण
फिलहाल अब इतना ही कहना है कि इस पार्टी का और केजरीवाल का समय नजदीक आ चुका है, तो अंत समय में ये जितना फड़फड़ा पा रहे हैं उतना ही फड़फड़ा रहे हैं, और जल्दी इस पार्टी के आधे से ज्यादा कार्यकर्ता आपको धीरे धीरे करके जेल के अंदर दिखाई देने वाले हैं। तो बस मेरे प्यारे आईवन, आज के अपने इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने कल वाली द पेट्रोट ऑफिशियल वाले चैनल की इस वीडियो को नहीं देखा है, 15 मिनट की वीडियो जाकर एक बार अवश्य देखिएगा, और ये मेरी गारंटी, इस वीडियो को देखने के बाद आप हंस हंस के लोटपोट अवश्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को भी आप लोग अवश्य देखें। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।